दोस्तों चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रेस मैटिक को किस तरह से रिपेयर करते हैं और उसके पिस्टन को किस तरह से चेंज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके ऊपर की स्लीव्स को खोलना है। स्लीव्स को खोल लेने के बाद मंकी प्लायर से हम इसके चेक नट को खोलेंगे। दोस्तों इसमें कुछ रिपेयर करने जैसा होता नहीं है, या तो इसका पिस्टन ख़राब हो जाता है या तो पिस्टन पर कचरा आ जाता है। देखिए इसके पिस्टन पर प्लास्टिक का एक कचरा दिख रहा होगा आपको, ऐसी कचरा बॉडी के अंदर भी है। इसी की वजह से हमारे प्रेसमेटिक में पानी नहीं आ रहा था। और पिस्टन लगाने से पहले इसकी बॉडी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है आपको। दोस्तों अगर आपको इसमें लीकेज का भी इशू आ रहा है तो सबसे पहले आपको इसके बटन को खोल लेना है। फिर इसके ऊपर जो आपको ये लॉक दिख रहा है, इस लॉक को आप खोलेंगे तो आपका पिस्टन पूरा बाहर आ जाएगा। इसके बाद इसके पिस्टन को हार्पिक में अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, जिससे 90% तक आपका लीकेज का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर लीकेज आता है तो इसके पिस्टन को चेंज कर दीजिए। अब हम इसके सिस्टम को वापस लगाएंगे। सबसे पहले हम इसके बटन को वापस लगा देंगे और अच्छे से टाइट कर देंगे। अगर आप सिस्टम को बॉडी में लगाने के बाद बटन को लगाते हैं, इससे आपका बटन हमेशा लूज़ रहेगा और बार बार बाहर गिरेगा। अब हम इसे वापस लगाएंगे और मंकी प्लायर की मदद से अच्छे से टाइट कर देंगे। इसको लगाने के बाद इसे हम चेक करेंगे कहीं अटक तो नहीं रहा है। फिर इसके ऊपर की स्लीव्स को लगाकर प्लेट को लगा दीजिए। यह हमारा प्रेसमेटिक रिपेयर हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह के स्पेयर पार्ट्स के लिए हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू गाइज़।